नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे DLED सेकेंड ईयर की S1, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वंचना से। देखिए, वंचना क्या होता है? वंचना जैसे नाम से पता चला है, वंचित रहना। यदि कोई बालक समाज में रहते हुए भी उसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति से वो वंचित रह जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वंचना। डैट मीन्स यदि कोई बालक समाज में रहता है और उसकी सामाजिक आवश्यकता पूरी नहीं होती है, उसकी जो बेसिक नीड है, उसकी जो ज़रूरत सी आवश्यकता की समान है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, और उसकी जो शैक्षिक आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो सकती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वंचना। मैंने तीन इसमें एलिमेंट बताया। पहला एलिमेंट मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। पहला एलिमेंट सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक। ये जो तीन बेसिक नीड है, इसकी अगर पूर्ति नहीं हो पाती है और बालक इस चीज़ों से वंचित रह जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वंचना। एकदम टू द पॉइंट और करेक्ट स्टेटमेंट यही है कि यदि कोई बालक समाज में रहते हुए भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक से वंचित रह जाती है, शैक्षिक आवश्यकताओं से वंचित रह जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वंचना। ठीक है, यहाँ तक कोई बात क्लियर? अब वंचना के आते हैं हम लोग प्रकार पे। तो वंचना जो है वो चार प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला हमारा है वास्तविक व्यक्तित्व वंचन, दूसरा सापेक्षिक व्यक्तित्व वंचन, तीसरा वास्तविक सामुदायिक वंचन और चौथा सापेक्षिक समुदाय वंचन। एक एक करके हम लोग चारों को समझते हैं कि चारों क्या होता है। देखिए, पहला हमारा है वास्तविक व्यक्तित्व वंचन। ये क्या होता है? मान लीजिए कोई बालक इतना ज़्यादा गरीब है कि वो अपने बेसिक नीड को पूरे करने में सक्षम नहीं है। वो अपने खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए पैसे नहीं हैं, तो ये हमारा हुआ वास्तविक व्यक्तित्व वंचन। ठीक है, डैट मीन्स रियल। ये हमारा क्या है? रियल, जैसे नाम से हमारा पता चला है, रियल। नेक्स्ट हमारा है सापेक्षिक व्यक्तित्व वंचन। सापेक्षिक का मतलब होता है रिलेटिव। इंग्लिश में मैं लिख दिया हूं ताकि आप लोग की समझ बेहतर हो सके। सापेक्षिक व्यक्तित्व वंचन मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, तुलना हो जाता है। जैसे एक लिमिट सेट की जाती है कि यदि इस रेंज से अगर कोई बालक या फिर कोई व्यक्ति नीचे की इनकम है उसकी, तो इसको हम लोग रिलेटिव व्यक्तित्व वंचन या फिर सापेक्षिक व्यक्तित्व वंचन के कैटेगरी में रखते हैं। डैट अभी मैं एग्जांपल दूँ, जैसे BPL एक कैटेगरी है, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये हम मान सकते हैं कि ये एक एग्जांपल है रिलेटिव या फिर सापेक्षिक व्यक्तित्व वंचन का। उसमें एक लिमिट, एक क्राइटेरिया सेट की जाती है कि एक व्यक्ति अगर प्रतिदिन 80 रुपये से या फिर जो भी हो उससे कम कमाता है तो उसको इस कैटेगरी में रखा जाएगा, सापेक्षिक व्यक्तित्व वंचन के कैटेगरी में। ठीक है, और ये हमारा रियल है, रियल व्यक्तित्व वंचन, जिसमें कि जो व्यक्ति है या फिर जो बालक है वो अपनी बेसिक नीड पूर्ण करने में सक्षम होता, इतना भी नहीं हो पाता उसके पास कि अपनी बेसिक नीड यानी खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा पे खर्च कर सके। ठीक है, और ये हमारा है रिलेटिव यानी कि कंपैरिजन। इसमें एक लिमिट सेट होती है बेसिकली कि इसके नीचे अगर कोई अर्न करता है तो उसको इस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो ये वंचना वंचन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आता हूँ वास्तविक सामुदायिक वंचन। ये बिल्कुल इसी तरीके का है, सेम कॉन्सेप्ट। इसमें सामुदायिक है वर्ड। सामुदायिक का मतलब क्या होता है? इसमें सिंगल एंटिटी की बात होती है और इसमें एक ग्रुप की बात होती है, मतलब एक ऐसा ग्रुप जो कि अपने बेसिक नीड को पूरा करने में असक्षम है। एक ग्रुप की बात होती है यहाँ पे, एक कम्युनिटी की बात होती है जो कि खाने, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक सामुदायिक वंचन। आप लोग वन बाय वन ऐसे पॉइंट में ही डील करिएगा, एग्जामिनर बहुत अच्छे से आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सापेक्षिक सामुदायिक वंचन। सापेक्षिक सामुदायिक वंचन वही हुआ रिलेटिव कम्युनिटी वंचन। डैट मीन्स
रिलेटिव कम्युनिटी सापेक्षिक सामुदायिक वंचन का मतलब हुआ कि कुछ ऐसा कम्युनिटी जो कि एक लिमिट सेट जो पैरामीटर है उससे वो नीचे की इनकम अर्न करता है, इसको हम लोग रखते हैं सापेक्षिक सामुदायिक वंचन के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार रैपअप कर लेते हैं जल्दी से। वंचना से क्या समझते हैं, तो वंचना हमारा होता है सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक बेसिक नीड जो है वो पूर्ति नहीं हो पाना, उसको हम लोग बोलते हैं वंचना। कोई बालक जो है इस तीनों सुविधा से वंचित रह जाता है, मिल नहीं पाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वंचना। ठीक है, वंचना चार प्रकार के होते हैं, वास्तविक व्यक्तित्व वंचन, सापेक्षिक व्यक्तित्व वंचन, वास्तविक सामुदायिक वंचन और सापेक्षिक सामुदायिक वंचन। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो बताइए वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस तरीके का कंटेंट उन्हें समझ में आए और इस तरीके का कंटेंट उन तक पहुंचे और वो भी अच्छा एग्ज़ाम में करें, क्योंकि आप किसी के लिए अच्छा करोगे तभी आपके लिए भी अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, गुड लक, थैंक यू एंड गुड बाय।